फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम वीडियो जो है आप लोगों को मैनेजमेंट की देंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की आज डिस्कस करेंगे। कोशिश है कि कम क्वेश्चन दिए जाएं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिए जाएं और साथ साथ बीच में कंटिन्यू एक ही टॉपिक को लेकर के कई बच्चों की प्रतिक्रिया था कि सर थोड़ा चेंज करिए, तो उसी कड़ी में आज दूसरी वीडियो लेकर के आया हूँ। गला 15-20 दिन से ख़राब है तो वीडियो इसलिए लेट हो रही है, उसके लिए सॉरी। और डिस्कस करते हैं पोस्ट कोर के पद में CO क्या दर्शिता। तो दोस्तों, पोस्ट कोर में जो है CO हमारा कोऑर्डिनेशन या समन्वय को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथालय में समन्वित प्रयास को सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यक्ष तथा एक योजना का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो यह है एक अध्यक्ष तथा एक योजना का सिद्धांत हमारा निर्देशन की एकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय में सभी पदों के शीर्ष से नीचे तक की कड़ियों की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो यह हमारी दोस्तों स्कॉलर चयन कहलाती है। किसी ग्रंथालय के भवन की योजना बनाने हेतु सार्वजनिक सर्वाधिक प्राथमिक विचारों में यह है कि ग्रंथालय एक केंद्रीय रूप में अवस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेक्स धारावाहिक नियंत्रण प्रणाली हेतु उपयोग किया जाता है। कार्डेक्स किस लिए प्रयोग करते हैं, तो दोस्त काम जो है उसके पीरियोडिकल सेक्शन के लिए यूज करते हैं। कार्डेक्स के 3 कार्ड होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के नियमानुसार किसी पुस्तक में कम से कम कितने पृष्ठ होने चाहिए। तो दोस्तों, यूनेस्को ने एक रूल बनाया था कि किसी भी इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को जो प्रिंट मोड में है कम से कम उसमें 49 पेज हो तब जा करके उसको बुक्स का संज्ञा दी जाएगी, यानी कि माना जाएगा, नहीं तो वो हमारा कंप्लीट की श्रेणी में आएगा। अगर 49 से कम पेज हैं उसको हम बुक्स के रूप में काउंट नहीं करेंगे। भारतीय एकस्व कार्यालय इंडियन पेटेंट ऑफिस कहाँ स्थित है, तो ये हमारा नागपुर में स्थित है। रंगनाथन के द्वारा पढ़ लेखों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है परंपरागत, दूसरा है नव परंपरागत, तीसरा है परंपरागत और जो चौथा पार्ट है वह हमारा मेटा पढ़लेख कहलाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सही समय पर पुस्तक में सही उपयोगिता को उपलब्ध कराने का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, राइट बुक टू राइट रीडर, ये जो थ्योरी थी ये हमारी WF डूरी की थी, ये डूरी का सिद्धांत है। मेलविल डीवी का सिद्धांत कहता है कि कम से कम लागत पर आर्थिक से अधिक पाठकों को सर्वोत्तम पठन सामग्री मिले, यह है हमारा बुक सिलेक्शन का सबसे अच्छा थ्योरी है। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के जनक कौन थे, तो वह WF टेलर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन इन जो आज करा रहा हूँ इनमें से पूछे जाते हैं हमेशा। किसी भी संस्था के द्वारा सामयिक क्रियाकलापों एवं घटनाओं की सूचना देने के लिए निकाला गया जर्नल क्या कहलाता है। तो दोस्तों, हाउस जर्नल कहलाता है, जिसमें लगभग करंट अवेयरनेस टाइप की घटनाएं इंफॉर्मेशन मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पत्रिकाओं की निर्देशिका जो इंस्टॉक निकालती है किस टाइप की पत्रिका है। तो दोस्तों, वह भारत में वैज्ञानिक पत्रिकाओं की एक डायरेक्टरी है, या दूसरे रूप में क्वेश्चन को बोलेंगे भारतीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं की निर्देशिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो वह डेसीडोक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय के प्रलेख में उस गुप्त पृष्ठ को क्या कहा जाता है जिसे प्रलेख की पंजीकरण संख्या लिखने के लिए चुना जाता है। तो उसे क्लू पेज कहते हैं और सीक्रेट पेज भी बोलते हैं। अब अधिकतर लाइब्रेरी में ये फ्रेंड्स 100 जो पेज संख्या होती है उसको लिया जाता है, मैंने ये प्रैक्टिकली बहुत अनुभव किया है, अधिकतर लाइब्रेरी उसको लेती हैं, जबकि मैं तो 51 को लेता था कहीं लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रंथालय के कर्मचारियों को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन हेतु तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, वह हमारा स्टाफ फार्मूला तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस खाली दिया गया फिर सेंटर दिया गया, तो खाली स्पेस में उपलब्धि मूल्यांकन, ग्रंथालय के कर्मचारियों की कार्य की अक्षमता एवं कमजोरियों तथा उनकी उपलब्धियों को व्यवस्थित करने का मूल्यांकन है। क्या है उपलब्धि मूल्यांकन। किसी भी विश्वविद्यालय की ग्रंथालय समिति के सदस्य सचिव और तथा संयोजक कौन होते हैं। तो हमारा जो लाइब्रेरियन है वह उसका पदेन सचिव या परमानेंट जो सेक्रेटरी होता है तथा संयोजक होता है, कोऑर्डिनेटर भी होता है। पुस्तकें आदान प्रदान करने की 2 प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों, उनमें से एक ब्राउनी पद्धति है और दूसरी हमारी न्यूयॉर्क पद्धति है, नेवार सिस्टम भी कहते हैं। नेवार्क या न्यूयॉर्क आदान प्रदान प्रणाली
कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, यह न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू हुई थी, इसलिए इसका नाम न्यूयॉर्क आदान प्रदान प्रणाली है। अंतर ग्रंथालय ऋण ग्रंथालयों के बीच क्या है, संसाधन साझेदारी के स्वरूपों में से एक, अर्थात जो हमारा इंटर लाइब्रेरी लोन है वह किसका टाइप है, वह है हमारी रिसोर्स शेयरिंग का ही एक टाइप है। वे गाइडों में ग्रंथों की क्रामक संख्या उनके शाब्दिक शीर्ष में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में नियमित रूप से प्रतिवर्ष दिए जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है, तो वह हमारे रिकरिंग या आवृत्ति अनुदान कहलाता है, जो नियमित रूप से प्रतिवर्ष मिलता है। संगठनात्मक संरचना का सबसे नवीनतम स्वरूप कौन है, तो दोस्तों यह विभागीकरण या डिपार्टमेंटाइजेशन है। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो दोस्तों नियोजन या रिक्रूटमेंट भर्ती प्लान प्लान जो है इसका मेन है निर्णय डिसीजन जो है होता है उसका जो मेन सेंट्रलाइज पॉइंट होता है हमारा। निम्न में से कौन से ग्रंथों के चयन हेतु उपकरण नहीं है, तो दोस्तों निदानी सूची अर्थात सेल्फ लिस्ट, बुक सिलेक्शन का टूल नहीं है, बिब्लियोग्राफी अर्थात वाङ्मय सूची, प्रकाशक सूची, पब्लिशर कैटलॉग, पुस्तक विक्रेता की सूची जो है पब्लिशर कैटलॉग के साथ साथ जो हमारा लाइब्रेरी वेंडर होता है उसकी भी एक अलग से लिस्ट होती है या सप्लायर की, तो ये सब हमारे सिलेक्शन बुक सिलेक्शन के टूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेक्स प्रणाली का जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों रेमिंगटन रेंड कार्डेक्स सिस्टम का जो जन्मदाता है। ग्रंथालयों में समय की प्रकाशनों की प्राप्ति के लिए कौन सी विधि उपयोगी और सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, तो यह थ्री कार्ड सिस्टम बेस्ट माना जाता है, डॉक्टर रंगनाथन का दिया हुआ सिस्टम है। रंगनाथन का प्रमुख ग्रंथालय का प्रमुख अभिलेख क्या होता है, तो दोस्तों मेन जो लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंट होता है मुख्य अभिलेख होता है वह हमारा एक्सेशन रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे ग्रंथालयों में सेल्फ लिस्ट मुख्यतः होती है, तो दोस्तों ये भंडार सत्यापन या स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हमारा सेल्फ लिस्ट का मेन यूज होता है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी लोग जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, तो फ्रेंड्स उनको सूचना नहीं मिलती है, इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत कमी है, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मेरी कुछ पुरानी वीडियो हैं वो कंटिन्यू आप रिपीट करके देखते रहिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल मैं दे चुका हूँ और नई नई बुक से कोशिश रहती है अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिया जाए, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे। और इसका PDF जो है आपको मेरे नीचे जो लिंक दिया जाता है उसमें मिल जाएगा आपको टेलीग्राम सेक्शन में। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।